धन्यवाद बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा में अगला पाठ पढ़ेंगे जो है पाठ दूसरा। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि श्री राम का अपने पिता के प्रति किस प्रकार आदर और सम्मान है और कैसे वो अपने पिता की सभी आज्ञा का पालन करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ दो पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ। तो शुरू करते हैं। राम राजा दशरथ के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा। राम जो थे, श्री राम, आपने लोगों ने नाम सुना होगा, राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, यानी बेटे थे। दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे। रानी कैकेयी राम को प्रेम करती थी परंतु उसकी दासी मंथरा नहीं। वह कैकेयी के पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। मंथरा चाहती थी कि कैकेयी का पुत्र भरत राजा बने। राजा दशरथ की तीन पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम जो थे वो कौशल्या के पुत्र थे, यानी सबसे बड़ी रानी के पुत्र थे। उसने कैकेयी को इस विषय पर सोचने एवं योजना बनाने के लिए कहा। कैकेयी ने राजा दशरथ को उसे दिए गए दो वचनों का स्मरण कराया। दो वचनों का स्मरण मीन्स दो वचनों का याद करवाया कि राजा दशरथ ने कैकेयी को दो वचन देने का वादा किया था। उसने राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजने तथा भरत को राजा बनाने के लिए कहा। दो वचनों में पहला वचन रानी ने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, यानी वो वन में जाके रहें, और दूसरे वादे में उसने मांगा कि भरत को राजा बनाया जाए। राजा दशरथ इससे बहुत दुखी हो गए। राम अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे तथा उन्हें प्रसन्न देखना चाहते थे। उन्होंने तुरंत ही कहा कि वे अपने पिता की आज्ञा मानकर वन जाएंगे। 14 वर्ष के कठिन वनवास के पश्चात वे अयोध्या लौटे तथा राजा बने। यह घटना आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व घटित हुई थी परंतु आज भी लोग राम की पितृभक्ति व आज्ञा पालन को याद करते हैं। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कभी कभी आप अपने माता पिता की कही बात को नहीं मानना चाहते हो परंतु आपके माता पिता आपसे और आप उनसे प्रेम करते हैं। आपके माता पिता बहुत कठिन परिश्रम करते हैं तथा आपको सभी सुख सुविधाएं देने का प्रयत्न करते हैं। आप उनकी आज्ञा का पालन करके उनके प्रति अपना प्रेम दर्शा सकते हैं। इससे आप और आपके माता पिता सभी प्रसन्न होंगे। इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम अपने माता पिता की बात को नहीं मानते पर हमारे माता पिता बहुत कठिन परिश्रम करते हैं सिर्फ हमारे लिए, ताकि हमें सारी सुख सुविधाएं मिल सकें। तो हम उनकी आज्ञा का पालन करके उन्हें यह बता सकते हैं कि हम भी उनसे प्रेम करते हैं। इससे वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, यानी वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। ये आपका होमवर्क रहेगा जिसे आप अपनी किताब में ही बनाएं।